गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम गणित में पाठ 19 क्षेत्रमिति 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम घन और घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, जब भी हमारे घर में कोई खुशखबरी होती है या त्यौहार आते हैं तो हमारे घर में क्या आती हैं? जी हाँ, मिठाइयाँ। और ऐसे ही मिठाई का एक डब्बा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। बच्चों, यदि मैं गणित की भाषा में इसे कहूँ तो ये एक घनाभ है। घनाभ एक ऐसी ठोस आकृति होती है बच्चों, जो 6 आयताकार फलकों द्वारा निर्मित होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती है। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि इस घनाभ में कहाँ पर 6 आयताकार फलके हैं। ये पहला फलक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। तो इस प्रकार से बच्चों, एक घनाभ में 6 आयताकार फलके होती हैं। और बच्चों, एक घनाभ में 6 आयताकार फलके तो होती है, 8 शीर्ष भी होते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कौन कौन से 8 शीर्ष। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 शीर्ष होते हैं। और बच्चों, 12 कोरें होती हैं। 12 कोर कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने इस घनाभ को अच्छे से देखा, समझा कि इस घनाभ में 6 आयताकार फलके होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोर होते हैं। जो फलक है बच्चों, मैं आयताकार फलके इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सभी जो फलक है वो आयत के आकार के हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये भी आयत के आकार का है, ये भी आयत के आकार का है, ये भी आयत के आकार का है और ये दोनों फलक भी आयत के आकार के हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, धनाभ एक ठोस आकृति है जिसमें 6 आयताकार फलके होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोर होते हैं और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग होती हैं। अब बच्चों, चूंकि हमें घनाभ और घन का आयतन भी ज्ञात करना है आज की कक्षा में, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आयतन क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को आयतन कहते हैं। यदि बच्चों, हमें किसी वस्तु का आयतन ज्ञात करना है तो उस वस्तु के आकार को जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम उस वस्तु के आकार को जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि इसका आयतन कितना होगा। और बच्चों, जिस प्रकार से क्षेत्रफल का मात्रक होता है उसी प्रकार से आयतन का भी मात्रक होता है। आयतन का मात्रक बच्चों 1 घन सेंटीमीटर है, जो 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे घन के आयतन के बराबर होता है। उसे हम दूसरे शब्दों में 1 सेंटीमीटर का घात 3 भी कहते हैं या 1 सेंटीमीटर घन भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं हम धनाभ के कुछ गुणधर्म और उसके आयतन का सूत्र। बच्चों, आपने अभी देखा कि घनाभ में कुल 6 फलके होती हैं। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए, एक घनाभ के सभी कोण आपको समकोण दिखाई दे रहे होंगे। समकोण मतलब 90 अंश का कोण वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और बच्चों, इसके जो सभी फलक हैं वो आयताकार भी होते हैं, ये भी आप जानते हैं। आइए अब जानते हैं घनाभ के आयतन के बारे में। बच्चों, घनाभ के आयतन से तात्पर्य है कि अगर उसमें हम कोई चीज़ भरे तो उसमें उस चीज़ की कितनी मात्रा आएगी। जैसे मैंने आपको अभी एक मिठाई का डिब्बा दिखाया था जो कि घनाभ के आकार का था। यदि उस मिठाई के डब्बे में हम कोई वस्तु भरते हैं, वह वस्तु कितनी आएगी, वही क्या होगी, उस घनाभ का आयतन कहलाएगी। तो बच्चों, घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका सूत्र। लंबाई को क्योंकि हम L से डिनोट करते हैं, लेंथ, चौड़ाई को हम ब्रेथ B से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को हम हाइट H से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सूत्र L × B × H। तो इस प्रकार से घनाभ के आयतन का सूत्र है बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बच्चों,
आपको पता ही है कि घनाभ के सभी आयताकार फलकों के योगफल को ही उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। उनके जितने भी आयताकार फलक हैं उन सभी का यदि हम क्षेत्रफल निकालें और उन सबको जोड़ दें तो वही क्या कहलाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों आपको पता है कि घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। इन 6 फलकों में सम्मुख फलकों के यदि हम जोड़े बनाएं तो कुल हमें 3 जोड़े दिखाई देंगे। सबसे पहले ऊपर और नीचे के आधार के फलकों का क्षेत्रफल। सबसे पहले बच्चों ऊपर और नीचे के आधार के फलकों का यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो हम क्या करेंगे? ये ऊपर का फलक है और ये नीचे का फलक है। बच्चों इनका क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना है तो हम कौन सा सूत्र यूज़ करेंगे? लंबाई गुणित चौड़ाई का। अब यदि इस फलक की हम बात करें तो ये उसकी लंबाई है और ये क्या है? इसकी चौड़ाई। क्योंकि ये एक फलक है लंबाई गुणित चौड़ाई और ये दूसरा फलक है इसमें भी लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हमारा पहले दोनों फलकों के जो जोड़े हैं उनका क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन जाएगा? 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई। अब बच्चों हम दाई और बाई ओर के फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये है दाई ओर का फलक और ये है बाई ओर का फलक। यदि बच्चों ये भी आयत के आकार का है, यदि हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम कौन सा सूत्र प्रयोग में लाएंगे? फिर से लंबाई गुणित चौड़ाई। पर यदि हम यहाँ पर देखें तो इसकी लंबाई क्या है बच्चों? जो चौड़ाई है वो ही क्या है? इसकी लंबाई। और ये जो है ऊंचाई जो है वो उसकी चौड़ाई है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसी प्रकार इधर का बाईं ओर का भी जो फलक है इसका सूत्र क्या बन जाएगा? चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इस प्रकार से इन दोनों फलकों के क्षेत्रफल का योग क्या हो जाएगा? 2 गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब बच्चों घनाभ के सामने एवं पीछे की ओर के फलकों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये सामने का फलक है और ये पीछे का फलक है। ये भी आयत के आकार के हैं इसलिए इनके क्षेत्रफल का भी सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। पर यदि हम इस फलक को ध्यान से देखें तो इसकी लंबाई तो लंबाई है पर इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है? क्या है? ऊंचाई है। इसलिए इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन जाएगा? लंबाई गुणित ऊंचाई। इसी प्रकार इधर भी लंबाई गुणित ऊंचाई। तो इन दोनों फलकों के क्षेत्रफल का यदि हम योग करें तो क्या मिलेगा? 2 गुणित ऊंचाई गुणित लंबाई। और बच्चों क्योंकि यहाँ पर फलकों के 3 जोड़े हमें यहाँ पर मिले थे, इन तीनों जोड़ों के क्षेत्रफल का हमने सूत्र यहाँ पर निकाला है। तीनों को यदि हम जोड़ें आपस में तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। तो इस प्रकार से बच्चों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हम घनाभ से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बच्चों प्रश्न दिया है, उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ पर आपको घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है जो कि है 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तीनों की इकाइयाँ एक बराबर है बच्चों, तो हम सीधा इसमें फॉर्मूला लगाकर हम इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो उसका सूत्र हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। और यहाँ पर जहाँ जहाँ लंबाई है हम लंबाई का मान भरेंगे, जहाँ जहाँ चौड़ाई है हम चौड़ाई का मान भरेंगे और जहाँ जहाँ ऊंचाई है हम ऊंचाई का मान इस सूत्र में भरेंगे। सूत्र में मानों को भरने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 2 गुणित 9 गुणित 6 धन 6 गुणित 2 धन 2 गुणित 9। और कोष्ठक के अंदर के अंकों को गुणा करके जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 54 धन 12 धन 18 और इसका योगफल होता है 84, जिसे हम जब 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 168। तो इस प्रकार से बच्चों इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 168 सेंटीमीटर वर्ग यानी 168 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों यदि किसी घनाभ की हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता है तो हम सूत्र में मानों को भरकर आसानी से उस घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब क्षेत्रमिति दो के अंतर्गत ही हम घन को जानते हैं। घन क्या होता है? घन में फलक, कोर और शीर्ष कितने होते हैं? और घन जैसी आकृतियां आप अपने आसपास में बहुत सारी देखते होंगे। इनमें से ही एक आकृति आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये बच्चों, इसे आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का यह एक खेलने की चीज़ है, खिलौना ही है ये। इस प्रकार के खिलौने आपके घर में भी होंगे जो कि घन का एक उदाहरण है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन सभी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है? बराबर है। तो इस प्रकार से बच्चों, घन एक ऐसी त्रिआयामी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये सब तीन तीन ब्लॉक्स से बना है, यानी तीनों क्या है? बराबर है। यहाँ देखिए, लंबाई में भी तीन ब्लॉक्स दिख रहे हैं, चौड़ाई में भी तीन ब्लॉक्स और ऊंचाई में भी तीन ब्लॉक्स। तो इस प्रकार से इस घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, इसीलिए ये घन है। बच्चों, एक घन में सदैव छह फलक होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से फलक। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। घनाभ में बच्चों हमने 6 फलके पढ़ी थी, पर वहाँ पर जो फलक थे वो आयताकार थे। यहाँ पर जो फलक है वो आयताकार नहीं है, वर्गाकार फलक यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। वर्ग के आकार के हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है। बच्चों, अब इसमें 8 शीर्ष भी होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से 8 शीर्ष। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोर होती हैं। बच्चों, मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन से 12 कोर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस प्रकार से बच्चों, एक घन में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोर होते हैं। आप भी बच्चों इस प्रकार का उदाहरण अपने घर में आसपास जरूर देखिएगा और उसमें से फलक, शीर्ष और कोर आसानी से आप उसमें खोज पाएंगे, यह मुझे पूरा यकीन है। आइए अब हम घन के आयतन के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है बच्चों भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। जिस प्रकार से हमने जब घनाभ का आयतन पढ़ा था, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग थी, इसलिए हमने लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई किया था। यहाँ पर बच्चों, क्योंकि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती हैं, जिसे हम क्या क्या मान रहे हैं यहाँ पर? भुजा। यहाँ पर घन का जो आयतन होगा वो होगा भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा का घात 3, यानी भुजा का घन। आइए बच्चों, अब घन के आयतन के बाद हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और बच्चों, घन के यदि हम एक पृष्ठ की बात करें तो घन का एक पृष्ठ कैसा है? वर्ग के आकार का है। यदि हम घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा का घात 2, यानी भुजा का वर्ग। अब बच्चों, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि भुजा का वर्ग है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा? 6 गुणित भुजा का वर्ग। क्यों? क्योंकि एक घन में कितने फलक होते हैं? 6। तो इस प्रकार से बच्चों, हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है जो कि है 6 गुणित भुजा का वर्ग। आइए अब हम घन से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है बच्चों, एक घन जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर बच्चों, लंबाई जो 7 सेंटीमीटर दी है वही क्या है? भुजा है उसकी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आयतन का सूत्र लिख लेते हैं। घन के आयतन का सूत्र है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा का घात 3। यहाँ पर हम भुजा की जगह पे मान भरते हैं 7, हमें प्राप्त होगा 7 × 7 × 7, जिसका उत्तर आएगा 243। तो इस प्रकार से बच्चों, इस घन का आयतन हमें प्राप्त हुआ है 243 घन सेंटी।
मीटर। अब बच्चों इसी प्रश्न में हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यहाँ पर बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, 6 × 2। यहाँ पर भी बच्चों हम भुजा के स्थान पर क्या भरेंगे, 7 भरेंगे, 6 × 7। 7² मतलब बच्चों 49, और जब हम 6 को 49 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 294। तो इस प्रकार से बच्चों इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात हुआ है 294 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों आज आपने घन को जाना, घनाभ को जाना, घन और घनाभ के आयतन को जाना और उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी अच्छे से समझा है। आइए अब इससे संबंधित यहाँ पर कुछ गृह कार्य के प्रश्न दिए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसे आपको गृह कार्य के रूप में करके हमें भेजना है। पहला प्रश्न है बच्चों 3 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल खाली स्थान वर्ग सेंटीमीटर होगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों घनाभ के सम्मुख फलकों के क्षेत्रफल खाली स्थान होते हैं। तीसरा, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो वह खाली स्थान कहलाता है। तो बच्चों आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं गृह कार्य के रूप में। इसे आप मुझे कर ज़रूर भेजिएगा, निरंतर अभ्यास करते रहिए। आपकी परीक्षाएं भी नज़दीक आ गई हैं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक गणित को बनाएं, और अगली कक्षा में हम फिर से एक नया पाठ लेकर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।